बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट साउथ पंजाब की तरफ से बनाए गए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम के ऊपर डाटा को किस तरह एंटर किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम की वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपने अपने स्कूल के ईएमएस कोड को लगाकर लॉगिन करना है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जो ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है, इस तरह का मेन्यू शो होगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि स्कूल का नाम, ईएमएस कोड, मरकज़, तहसील और डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। नीचे क्लासेस और स्टूडेंट्स। आपने बच्चों का डाटा एंटर करने के लिए टॉप लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर थ्री लाइंस बनी हुई हैं, लेफ़्ट साइड के ऊपर, उसके ऊपर क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे तीन टैब हैं। पहला स्टूडेंट्स, इसके बाद एकेडमिक्स और टीचर्स। स्टूडेंट्स के टैब के अंदर क्लासेस और स्टूडेंट्स हैं। जैसे ही आप क्लासेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको क्लासेस ऐड करने का पूछेगा। तो जो जो आपने क्लासेस ऐड करनी है 6 से लेकर 8 तक, तो वो क्लास सेलेक्ट करने के बाद सेक्शन का नेम कोई भी लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं ए सेक्शन, तो आपने सेव कर देना है। जो ही आप सेव करेंगे, तो सेव करने के बाद सेक्शन और क्लास क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद आपने इस सेक्शन के अंदर बच्चों को इंटर करना है। बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स के ऊपर जाकर स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो स्टूडेंट आपने इंटर करना है उसकी डिटेल पूछेगा। नंबर वन इज़ फादर इज़ अलाइव, क्या उसका वालद, स्टूडेंट्स का वालद ज़िंदा है, तालिब इल्म का वालद। उसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बेफॉर्म नंबर, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, आइडेंटिटी मार्क, बर्थ प्लेस, एड्रेस, करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो इसमें आपने डिटेल इंटर करनी है। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो वो फैमिली बैकग्राउंड पूछेगा। फैमिली बैकग्राउंड के बाद नेक्स्ट करने के बाद स्कूल इनरोलमेंट का जो रिकॉर्ड है, मसलन करंट स्कूल से पहले बच्चा किस स्कूल में पढ़ता था, स्कूल के उसके मार्क्स कितने आए हैं प्रीवियस क्लास में, और उसकी जो करंट दाखिला है उसकी डिटेल इसमें इंटर की जाएगी। तो स्टूडेंट सेक्शन के अलावा इसमें एकेडमिक सेक्शन है। एकेडमिक्स के अंदर स्कूल का टाइम टेबल, रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स की डिटेल जो है वो आपने एंटर करनी है। टाइम टेबल के अंदर हर टीचर का नेम सिलेक्ट करके और क्लास सिलेक्ट करके उसका सब्जेक्ट जो है वो एंटर करेंगे। कौन सा टीचर कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाता है और कौन सी क्लास को पढ़ाता है, ये सारा डिटेल जब इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर टीचर का टाइम टेबल क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से मैनेज रिजल्ट्स के अंदर स्कूल के रिजल्ट्स का रिकॉर्ड होगा, और परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अंदर बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसकी रिपोर्ट्स देखी जा सकती हैं। तो चलते हैं तीसरे टैब की तरफ। तीसरे टैब के अंदर टीचर्स का रिकॉर्ड है। इसमें जितने भी स्कूल के करंट टीचर्स हैं उनकी डिटेल जो है वो नज़र आ जाएगी। तो इस तरह से तीन टैब हैं, स्टूडेंट्स, एकेडमिक्स एंड टीचर्स। स्टूडेंट्स टैब के अंदर बच्चों का डाटा, एकेडमिक्स के अंदर रिजल्ट्स, टाइम टेबल वगैरह, जबकि टीचर्स के अंदर टीचर्स का डाटा एंटर होगा। जिस तरह से हम लोग सिस के ऊपर बच्चों का डाटा, टीचर्स का डाटा एंटर करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इस वेबसाइट के ऊपर भी बच्चों का टाइम टेबल का रिकॉर्ड, बच्चों का डाटा, रिजल्ट्स वगैरह एंटर करने हैं।
वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।